हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं धनंजय पारक, महाराष्ट्र, इंडिया। ये स्विफ्ट डीजल, इसका स्टीयरिंग स्टिप हो जाता है, ऐसा अटक के रहता है। ये प्रॉब्लम स्विफ्ट, एस क्रॉस, ब्रीजा, जो नए मॉडल है ना, उस सब गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आता है स्टीयरिंग स्टिप का। और इसका स्टीयरिंग कॉलम 28,000 तक आता है। 28,000 इसकी कॉस्टिंग है स्टीयरिंग कॉलम की। तो ये कॉलम पूरा चेंज होता है, लेकिन हम इसको रिपेयर करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे और फिटिंग करेंगे। अभी ये खोला है। स्टीयरिंग स्टिप मतलब क्या होता है, ये एक जगह पे ऐसा, मतलब टर्न मारते टाइम आपको ऐसा अटक के चलेगा, ऐसा लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। ऐसा स्मूथ जो चाहिए ना, वो स्मूथ नहीं लगेगा, ऐसा स्टिक हो जाता है, स्टिप एक जगह पे अटक के रहता है। तो हम ये खोलेंगे अभी कॉलम और इसको रिपेयर करेंगे, ग्रीसिंग करके फिटिंग करेंगे। स्विफ्ट डीजल ये 3 लाख किलोमीटर के आसपास होते आ गई है, 2,98,000। खोल लिया है, आप देख सकते हो ये पूरा कॉलम निकालना पड़ता है। ये पूरा कॉलम नया डाल देते हैं शोरूम में, ये रिपेयर नहीं करते। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे। ये 28,000 का कॉलम आता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ये लॉक नहीं आएगा, ये स्विच नहीं आएगा, तो इतना सब आएगा मोटर के साथ। ये पूरा कॉलम चेंज हो जाता है, लेकिन हम इसको ग्रीसिंग करेंगे। मतलब ये स्टिप जो है ना, वो स्टिप नहीं रहेगा, फ्री हो जाएगा स्टीयरिंग कॉलम। स्टिप होने का रीज़न भी दिखा देते हैं ये खोलने के बाद। और खोलना क्या क्या पड़ता है आप देख सकते हो। इसके लिए खोलना पड़ता है ये अंदर इतना, इसके नट बोल्ट, इधर स्विच आता है, ये स्विच निकालना पड़ता है। स्विच निकलेगा, उसके बाद इधर ये कवर निकालना पड़ता है। ये कवर निकालने के बाद इधर ईपीएस कंट्रोलर आता है, इसके पीछे से भी वायर आता है, इधर भी सॉकेट है और इधर भी सॉकेट है। तो ये सॉकेट निकाल के आपका स्टीयरिंग कॉलम निकल जाएगा, स्विफ्ट डीजल। तो अभी इसको डिसमेंटल करते हैं स्टीयरिंग कॉलम को।
चांगलं प्लास्टिक नाही तर काहीतरी घे. ये खोल दिया है, डिसमेंटल कर दिया है पूरा. अभी डिसमेंटल करके ये बेयरिंग में भी ग्रीस भरेंगे, इसमें भी ग्रीस भरेंगे. ये क्लीन होगा नॉर्मल. इधर रस्ट आ चुका है, देख सकते हो आप, इसमें रस्ट आ चुका है. तो ये रस्ट नॉर्मल अच्छे कपड़े से क्लीन करेंगे और इसमें फुल ग्रीस भर देंगे. इससे क्या होगा, ये जो स्टेयरिंग स्टिप हो रहा था ना, ये स्टिप नहीं होगा और फ्री रहेगा. ये बेयरिंग और सिम्स में ना जाम हो जाता है, इसको ग्रीस भरना ज़रूरी है पूरा इसमें, गियर में और बेयरिंग में. तो हम ये पूरा ग्रीस भर के ये पिनियन शाफ्ट को भी ग्रीस भर देंगे, मतलब फ्री रहेगा. तो देखते हैं अभी क्या करना है. इसको पानी से धोना नहीं है कौन से भी पार्ट को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल फंक्शन भी है. इसमें इधर इलेक्ट्रिकल फंक्शन आता है, तो इसको जैसा है वैसा ही क्लीन करना है. रस्ट निकाल लेना है, जो रस्ट लगा हुआ था वो पूरा क्लीन हो जाएगा. और यही पोजीशन में ग्रीस दबा देना है, जैसे अभी इसमें बेयरिंग में भी ग्रीस दबा देंगे. अच्छा क्वालिटी का ही ग्रीस यूज करना है, स्टेयरिंग का लाइफ बढ़ जाएगा और स्टेयरिंग फ्री भी हो जाएगा. ये इतना से प्रॉब्लम के लिए पूरा स्टेयरिंग कॉलम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. 28,000 का स्टेयरिंग कॉलम डालना मतलब बहुत हो जाता है, इसको रिपेयर हो जाता है. स्टिप ग्रीसिंग करना है और फिटिंग करना. हाँ, यदि गियर डैमेज हुआ या बेयरिंग डैमेज हुआ, ज़्यादा करके होता नहीं है, लेकिन हो गया तो फिर इसको रिपेयर कर सकते हैं. दबा के ग्रीस दबाना है, फुल दबा के ग्रीस डालिए.
इसमें भी पिनियन में भी फुल दबा के ग्रीस डालना है। क्लीन होगा पूरा, ये क्लीन करके इसमें भी आप ग्रीस भर सकते हो। देख सकते हो पूरा भर दिया। अभी हम इसमें डालेंगे अंदर साइड, बेयरिंग को दबा देना है। ज़्यादा भी ग्रीस नहीं भरना है, खाली गियर को डालना है, गियर लुब्रिकेशन होना चाहिए। जैसे निकला था वैसे लगा देना है। हेलो, हाँ क्यों, कहीं काम कहीं है? 2-3 बजे निकल आना। मैंने
माने गना एक डेढ़ घंटा होगा। क्यों हुई गया कि ताना पचे मनाटो हुई गया कि ठीक है एक डेढ़ घंटा पप्पन लाऊं क्यों पप्पा आ गया कि आएगा ना पप्पन के ना पप्पा जी लेके रखे जाओगे नहीं तू आणि मम्मी जा ना पचे हाँ सॉरी 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 यादच नहीं मैंने ठीक है वॉट इज दैट कॉल करो के उन्होंने कब पर पकड़ 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 लॉक नव्हते लॉक झालं पाहिजे तो कर।
चालू है ना जास्त भरल्या गेलं जास्त भरल्या गेलं हा वरती उचला घे कॉलमला ले फॅटने पक्क पकड उचल तुम काजू ना रही है Thank you.
खा ले। पकड़ो जीत पालो लॉक चेंज करे से ये पूर्ण खोलेला लागे कौन तो लॉक चाबी लॉक नहीं लॉक से लगी होता है मध्य च मध्य उल्टा करी पड़ा। हाँ बस 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 फिटिंग करू लग थोड़ा ये फिटिंग झालं तो खोल लग मम्मी बाकी से फिटिंग करू है ना
क्रॉस भी चेक कर लेना है, क्रॉस जाम है क्या। और ये भी शाफ्ट का ये भी चेक कर लेना है, ये फ्री है क्या, मतलब ये भी स्टिप हो जाएगा इसकी वजह से भी स्टीयरिंग हार्ड रहेगा, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो हो चुका है अभी, ये अभी हम फिटिंग कर देंगे इसको पूरा। तो अभी ये फिटिंग हो चुका है पूरा, आप देख सकते हो टोटल फिटिंग हो गया है। तो अभी ये चालू करके चेक करेंगे। आप देख सकते हो एकदम फ्री हो चुका है, टर्न फुल बैठ रहा है। तो ओके, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग पावर स्टीयरिंग।